नमस्कार मित्रों, देखिए आज हम लोग उत्तरोत्तर पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत। मित्रों आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा, उत्तरोत्तर पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा जो पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर का नहीं आएगा और सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग को पूरा सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग जरूर से लगा ले जाओ। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 5.7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1.2 प्राप्त होते हैं तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या वो न्यूनतम संख्या क्या होगी, ऐसा भी पूछ सकता है। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से मित्रों कैसे पूछ सकता है, भाषा बदलकर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है तथा प्राप्त भागफल को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि अंतिम भागफल 1 है तो वो संख्या क्या होगी। इसी के पूरे भाषा को बदल दिया, लगाएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन को बदल दिया गया तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरे आवाज़ को और इसको लिख लीजिएगा अथवा करके कि इस तरह नहीं तो फिर दूसरे तरीके से। एक बार फिर से बोल दे रहे क्वेश्चन को, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, प्राप्त भागफल को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि अंतिम भागफल 1 है तो वह संख्या क्या होगी। सभी को समझ में आ गया, ऐसे ही बन सकता है क्वेश्चन, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा प्राप्त भागफल को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी। अंतिम भागफल 1 नहीं देगा तो न्यूनतम संख्या बोल देगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना मिल रहा है, 1 और 2, ये आपका शेषफल हो जाएगा और ये क्या बनेगा, भाजक बनेगा जिसको डिवाइजर बोलते हैं। और क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या, जब न्यूनतम संख्या का है या छोटी संख्या का है मित्रों तो इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 माना, लेट कर लेंगे कि 1 है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए जब भी कभी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बहुत तेज़ी से चले आएंगे तो 7 × 7 और नीचे से ऊपर जाते समय मेहनत लगेगा तो 7 × 7 = 9, ऐसे समझिएगा ठीक है। जैसे मार्कर इसको देखो छोड़ दो तो बहुत आसानी से नीचे गिर जाता है ना, लेकिन ऊपर फेंका जाए तो पावर लगता है, तो उसीलिए हमने सबसे पहले जब नीचे आया तो घोड़ा का चिन्ह और ऊपर जाएगा तो प्लस का चिन्ह, 7 × 7 = 9। और सॉल्व करते हैं इसको, 5×9 = 45 फिर घोड़ा और यहाँ इधर जाएगा तो प्लस में, तो 5×9 = 45 और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 46, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या, यही मित्रों आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका ट्रिक हो गया। अगर इसी को बेसिक से लगाना है तो वो भी देख लीजिए, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है, 1 मिलता है और प्राप्त भागफल, भागफल को हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर 1 कह दिया, ये हमारा ए भागफल मान लीजिए, तो प्राप्त भागफल को किससे भाग दिया गया, 7 से भाग दिया गया तो शेषफल 2 मिल रहा है। करण न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो लास्ट में जो भागफल होगा उसको हम लोग 1 मान लेंगे, अगर नहीं दिया है, कभी कभी देता अंतिम भागफल 1 है या 2 है, जो भी जो दिया रहता तो वही लिखते, नहीं दिया तो 1 मानेंगे क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालना था। 7 × 7 = 9, ए बराबर कितना आ गया, 9। अब देखो हमको यही संख्या निकालना है तो 5×9 = 45 और 1 = 46, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 46, ये बेसिक तरीका हो गया। अगर ऐसे कहता वो संख्या क्या होगी तब मित्रों हम लोग नहीं निकाल पाते, तो वो संख्या हम क्या निकालते, आप 1 मान के निकालते, दूसरा 2 मान के निकालता, तीसरा 3 मान के, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता उत्तर होगा, वही आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ छोटी संख्या बोल दिया इसीलिए हम लोग 1 ही मान के निकालेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 11.7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3.4 प्राप्त होते हैं तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या वो न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए इसको भी हम लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, 11 और 7, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 होगा और ये 4, यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 माना, तो लिखेंगे 7 × 7 = 4 = 11, 11 × 121 = 3, 100 कितना हो जाएगा, 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया अब आपको लगाने, देखो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो गुणा, इधर जाएगा तो प्लस, 7 × 7 = 4 = 11, फिर ये 11 + 121 + 3 =
24 यही आपका उत्तर हो गया मित्रों। सभी को समझ में आ गया, बेसिक अभी आपको बताया गया, बेसिक भी आप लोग लगा सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी संख्या को 4.5.6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1.2.3 प्राप्त होता है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या वो न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो यहाँ 3 दे दिया गया तो हम लोग 3 तक चले जाएंगे, 4, 5, 6 ये लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 1, 2, 3। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मान लेंगे क्योंकि छोटी से छोटी संख्या निकालना, फिर सॉल्व करेंगे 6 × 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जब गुणा इधर से इधर प्लस तो ये 9 आ गया, 5 × 9 45 और 2 47 ये कितना हो जाएगा 47। अब इसको गुणा करेंगे इससे, तो देखिए हम लोग जब इसको गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28 47 × 4 कितना होगा 188, 47 × 4 कितना हो जाएगा 188 और 1 कितना हो जाएगा 189, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर इसको किसी को गुणा करना नहीं आता तो इसको 50 समझ जाना, 50 × 4 50 का गुणा तो बहुत आसानी, 50 × 4 = 200 हो गया, और लेकिन ये 3 कम था, 3 × 4 = 12, 200 में से 12 घटाया तो 188 और 1 जोड़ दिया 189 आपका उत्तर हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया, तो 3 रहेगा तीनों लगा लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 4.5.6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1.2.3 प्राप्त होते हैं, यदि अंतिम भागफल 2 है तो संख्या क्या होगी। मित्रों इस बार अंतिम भागफल 2 दे दिया है यानी हम लोग मानेंगे नहीं, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको, 4, 5, 6 और यहाँ पर 1, 2, 3, अंतिम भागफल कितना दिया गया 2, तो यहाँ पर अब 2 लिख लेंगे, मानना नहीं, 6 × 12 और 3 15 हो जाएगा, 6 × 12 = 3 15, इधर से ये गुणा और ये प्लस और यहाँ पर आता मान, फिर यहाँ पर गुणा करो और ये प्लस करो तो यहाँ पर आएगा 15 × 25 = 75 और 2 कितना हो जाएगा 77, फिर गुणा करके यहाँ लिखोगे। अब देखो मान लीजिए 77 को गुणा करना नहीं आता तो इसको 75 समझ जाओ है, और 75 × 4 कितना होता है 300, 75 × 4 = 300 और ये 2 ज़्यादा था तो 2 × 8 यानी 308 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 309, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी कैलकुलेशन करना है, ये नहीं कि ऐसे लिखो 7, 7, 4 गुणा करो, बहुत टाइम लग जाएगा मित्रों ये सब करने में। सभी को समझ में आ गया, देखो फिर से देख लीजिए एक बार, 6 × 12 = 3 = 15, 5 × 15 15 × 75 = 77 और 4 × 77 + 1 तो 77 × 4 कितना होता है, अगर ऐसे गुणा करोगे तो 4 × 7 = 28 1 8 हो जाएगा और 4 × 7 = 28 2 30 तो 308 आएगा और 1 जोड़ोगे 309 भी तो आएगा। ठीक, हमने क्या किया था 75 × 4 300 क्योंकि 75 × 150 होता है, तो 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, जब 2 गुना किए तो 150, 4 गुना करोगे 300 और 2 ज़्यादा था तो 4 × 2 = 8 308 और 1 = 309 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हम सभी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, किसी संख्या को 11.8.5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3.5.2 प्राप्त होते हैं, तो संख्या क्या होगी। अब देखिए मित्रों संख्या पूछ लिया, अब आप क्या अंतिम भागफल भी नहीं दिया है, न्यूनतम संख्या भी नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, कुछ लोग इसको 1 मान के लगाने लगेंगे, ठीक है, तो 1 मान के लगाओगे तो आपका गलत मान लिया जाएगा, इसमें आप क्या करोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका उत्तर होगा। आप 1 मान के लगाओगे, दूसरा 2 मान के लगाएगा उसका अलग उत्तर आएगा, तीसरा 3 मान के लगा लेगा अलग उत्तर आएगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग मानेंगे तो अलग अलग उत्तर आना शुरू हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा संख्या क्या होगी, संख्या कुछ भी हो सकती है, न्यूनतम संख्या कहता तो निकाल लेते, अंतिम भागफल कहता तो भी निकाल लेते, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 11.8.5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3.5.2 प्राप्त होते हैं, तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या का मतलब ही क्या होता है, न्यूनतम संख्या। तो देखिए कैसे इसको तो हम लोग निकाल ले जाएंगे, आप लोग इसको करके आंसर बताइएगा, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं,
सॉल्व कर दें, चलिए देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं। 11.8.5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3.5.2 प्राप्त होता है, तो न्यूनतम संख्या। अब इसको एक मान के निकालना, कर ले जाओगे ना, संख्या जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसको मित्रों सॉल्व करके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है, और हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे इसका, तो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन लगाइएगा, हम देखते हैं कितना आपको समझ में आ रहा है। सब लोग लगाओगे ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सभी देखिए मित्रों इस क्वेश्चन को, किसी संख्या को 11.8.5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3.5.2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 1 हो तथा भाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, ये निकालना। देखिए मित्रों यहाँ अंतिम भागफल हमने 1 लिख दिया, किसी किसी बुक में ये नहीं लिखा तो उसका गलत उत्तर होगा, ज़बरदस्ती लगा दिया। तो जब अंतिम भागफल 1 हो तभी ऐसा लगाया जाता है, समझ में आई कि नहीं। या अंतिम भागफल 2 है तो भी लगा सकते हैं, या तो कह दिए न्यूनतम संख्या क्या दे दिया जाए तो भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर सीधे कहेगा यदि भाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो उसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता होगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों देखो ये अब सही प्रश्न आपका बन चुका है, इसका उत्तर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, जैसे ऐसे लिख दिया किसी संख्या को 11.8.5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3.5.2 प्राप्त होते हैं, यदि भाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको ना तो अंतिम भागफल दिया ना तो न्यूनतम संख्या के बारे में बोला, तो हम लोग अलग अलग मानेंगे तो अलग अलग उत्तर आना शुरू हो जाएगा मित्रों, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अब इसको हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि हमको दिया गया यदि अंतिम भागफल 1 है तथा भाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो हमने अंतिम भागफल दिया तो इसको हम लोग लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, 11.8.5 भाग दिया गया, कितना आ रहा है शेषफल 3.5.2, और अंतिम भाग अंतिम क्या दिया भागफल 1, तो 5 + 5 = 2 = 7 हो जाएगा। आगे और साल पीछे 8 × 56 = 5 = 61 हो जाएगा। अब देखिए 61 है और मान लीजिए आपको गुणा करना नहीं आता है, तो आप 60 मान लीजिए तो 11 × 66 = 66 हो जाएगा अगर 60 मानोगे, ठीक है, लेकिन 61 था 11 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 671। ऐसे गुणा करना चाहो तो 11 × 11 = 1, 11 × 66 = 66 और 1 कितना हो जाएगा 67, तो भी आपका 671 आएगा। 671 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 671 में जब 3 जोड़ोगे तो 674 हो जाएगा। ये संख्या निकल के आया, अगर संख्या पूछता तो ये उत्तर होता। आगे क्या बोला है कि यदि भाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या मिला ये संख्या तो लिख लेंगे 674, और भाजकों के क्रम को बदलेंगे। क्रम को बदलने का मतलब जो 3, 5, 2 है इसको लिखेंगे 2, 5 और 3। अब शेषफल क्या मिलेगा इसको निकालना, तो देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब इसको सॉल्व करके 2 × 3 = 6 और यहाँ पर 1 × 4 = 2 = 14, यानी शेषफल 0 आया। इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 6 = 30, 3 × 7 = 5 × 35, 2 बच गया। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 × 6 = 3, 3 × 6 = 1 बच गया, ठीक। तो आपका जो उत्तर आना शुरू होगा 0, 2, 1, ये शेषफल हमको प्राप्त होगा भाजकों के क्रम को। इससे हमने भाग दिया इसको, तो जब भाग देंगे तो ये आएगा 337, ठीक है, 2 × 6 = 2 × 6 और 1 × 4 = 2 = 14, तो 0 शेषफल आ गया। फिर यहाँ भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 30 और 3 × 7 = 5 × 35, 2 बच गया। यहाँ पर देखिए हमने भाग दिया तो 3 × 6 = 3, 3 × 6 = 1 बच गया, तो 0, 2, 1 यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों उत्तरोत्तर पर आधारित एक टॉपिक था जो कि खत्म हो चुका है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, ठीक है, और इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जब चाहे जो पेपर देखो, ग्रुप डी से लेकर आईएएस लेवल तक के सीसेट का पेपर दोगे वहाँ भी तो यही से पूछेगा उत्तरोत्तर पर आधारित प्रश्न मित्रों, इससे बाहर का नहीं आएगा। हमने सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, सारे चीज़ें क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो भी कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, नमस्कार।